बच्चा चोरी के नाम पर साधु संतों पर हो रहे हमले को लेकर संतों में खासी नाराजगी है। संतों की तरफ से सरकारों और आम लोगों से अपील की गई है कि वह ऐसे मामलों का संज्ञान ले। इसी कड़ी में आज प्रयागराज में महानिर्वाणी अखाड़े में एक बैठक में संत समाज ने साधुओं पर बढ़ती हमले की घटनाओं पर चिंता जताई है। महानिर्वाणी अखाड़े में आज एक बैठक में साधु संतों ने केंद्र और सभी प्रदेश की सरकारों से अपील किया कि वह साधु संतों पर हमले की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से ले ताकि आगे इस तरह की घटनाएं ना घटित हो। जेड महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव श्री महंत जमुनापुरी महाराज ने कहा कि हम अपने बच्चों को बचपन से डराने के लिए कहते रहे हैं कि तुम्हें साधु बाबा पकड़ ले जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं साधुओं को लेकर लोगों के मन में अनजाने में एक डर बैठाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि कभी भी कोई साधु या संत जबरदस्ती या चोरी से किसी बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सकता, लिहाजा आम लोग भी मामले की संवेदनशीलता को समझकर बच्चों और लोगों को यह बताएं कि साधु संत जनकल्याण और समाज के हित के लिए काम करते हैं, न कि किसी बच्चे का अपहरण करते हैं। उन्होंने कहा कि पंढरपुर में जिस तरह की घटना घटी वह चौंकाने वाली है। जब तीर्थ यात्रा पर निकले साधुओं ने एक बच्चे से पता पूछा तो भीड़ ने उन पर हमला कर दिया, उन्हें बच्चा चोर समझा। उन्होंने कहा कि बाद में यह सफाई भी दी गई कि लोग हिंदी भाषा समझ नहीं सके और इसी के चलते वह साधुओं की बात नहीं समझ पाए। जबकि महाराष्ट्र में हिंदी फिल्में बनती हैं और खूब देखी हुई जाती हैं, ऐसे में यह तर्क गले से नहीं उतरता कि वहां पर मौजूद लोगों को हिंदी नहीं आती थी। उन्होंने कहा साधुओं पर हो रहे हमले की घटनाएं बेहद दुखद है और इनको लेकर साधु संतों में खासी नाराजगी भी है। पुलिस ने बच्चा चोर कह करके उनके साथ मारपीट की है और कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि लोगों की मौतें तक हुई हैं, तो इस पूरी घटना को समाज के दृष्टिकोण से देख रहा। देखिए, अपने भारतवर्ष में ये घटनाएं जो मेरे संज्ञान में भी आया, कुछ महात्माओं को गाड़ी में से घसीट करके निकाल करके और बेरहमी के साथ जो पीटा गया और ये लांछन लगा दिया गया कि ये बच्चे चोर हैं जी, तो ऐसे ही कोई साधु तीर्थ यात्रा पर जा रहा है और उसको बच्चा चोर कह करके पीट देना और फिर उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई ना होना, उचित कार्रवाई, ये बहुत ही खेदजनक है और बहुत ही दुखद घटना है ये। तो आगे जो हमारे, मैं सनातन हिंदू प्रेमियों से भी ये कहना चाहता हूँ, जितने भी अपने धर्म के जितने भी सामान्य जन भी हैं, उन सब से भी ये अनुरोध करता हूँ कि जैसे बच्चों को कहते हैं ना कि बाबा जी आ गए, बच्चा उठा के ले जाए, बाबा जी तेरे को ले जाएंगे या ऐसा कर लेंगे, ये एक सहज रूप से कही गई बातें थी बच्चों को चुप कराने के लिए, लाड में और प्रेम में कही जाती थी ये बातें। लेकिन आज के समय में जो ये घटनाएं दिखाई दे रही हैं, ये बहुत ही दुखद हैं और इसने एक दूसरा रूप धारण कर लिया है। तो साधु कोई भी ऐसा नहीं होता है और आज तक किसी साधु ने किसी के बच्चे को जबरदस्ती नहीं उठाया है और न उठा सकता। जो साधु है, जो सरल है, जो संत है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। और वो लोग पंढरपुर की यात्रा पर ही तो जा रहे थे, उन्होंने रास्ता पूछा तो रास्ता पूछा, अब इसमें उन्होंने कहा कि भाषा समझ में नहीं आई। अरे भाषा, हिंदी को सब समझते हैं, वहाँ सब हिंदी फिल्में देखते हैं सारे महाराष्ट्र वाले, तो ऐसा नहीं है कि हिंदी किसी की समझ में नहीं आती है। और इतना तो कोई भी पूछता है कि भाई मुझे वहाँ जाना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको घसीट के पीटना शुरू कर दिया जाए। तो सरकारों से भी मेरा अनुरोध यही है कि इसका संज्ञान लेवे, नहीं तो साधु महात्माओं के ऊपर यह किया गया एक अत्याचार है और अतिचार है ये। इससे सभी साधुओं के अंदर एक दुख भी है और एक आक्रोश भी है, हम किसको कहें। तो समाज से भी यही अनुरोध है कि सभी साधु महात्मा ऐसे नहीं होते हैं, कृपा करके इस तरीके के अधर तत्व कोई भी साथ ना देवे कि एक ने चिल्लाया और 10 एकदम से टूट पड़े उसके ऊपर। इस तरीके से कोई भी किसी भी सहभागीदार किसी के भी ना हो, ठीक है ना। तो इसका हमें बहुत दुख है, खेद है और मैं अपने पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की तरफ से और साधु समाज की तरफ से इसमें खेद व्यक्त करता हूं कि आगे भविष्य में ये सब घटनाएं ना घटें। इसका एक कोई ना कोई सरकार को कदम अवश्य उठाना चाहिए, क्योंकि साधु कभी भी किसी इस तरीके के कार्यों में लिप्त नहीं होते हैं। तो साधुओं को इस तरीके से ना समझा जाए, क्योंकि बस यही है और क्या कहें, बहुत दुखी हैं और ये बहुत, जो मैंने देखा तो बहुत खराब लगा।